Hello boys and girls welcome to one X short videos today we'll be studying something about reasoning right now the first thing that comes to my mind is what is reasoning so the thing is reasoning is nothing but what is reasoning would be reasoning is nothing but the ability to reason out the ability to reason out. Now, how better can we reason out? The, the question comes how better can we reason out? If we do have a very good logical mind, it comes down to logical mind. So, if we have a good logical mind, so we can reason out. Better than others, right? Now, the question comes is what is logic? Isn't it? So, what is logic? So, logic would nothing be just your common sense. It's your common sense. So, when we are born human, human beings, so we all do have common sense, isn't it? So, we'll be applying our common sense in order to answer the questions of reasoning, isn't it? Now, We'll see uh, how to increase our common sense or logical mind, right? The only way out is solving puzzles. We can increase our logical mind by solving puzzles. So, in today's class, we'll be doing one puzzle which will help us to increase our logical ability, isn't it? And will help us also in order to solve the questions of reasoning. Now, let's go to the question and see what is given. See, this is the question. So, what does the question say? It says a woman brings oranges to sell in the market, right? She sells half the number of oranges to the first customer and gives extra half of an orange free. तो पहले कस्टमर को वो क्या कर रही है वो कुछ ऑरेंजेस लेके आई थी एक औरत बेचने के लिए मार्केट में करेक्ट नाउ द फर्स्ट कस्टमर व्हाट वॉट शी डू सी सेल्स हाफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट शी हैड बॉट एंड आल्सो गिव्स एक्स्ट्रा हाफ ऑफ एन ऑरेंज ऑरेंज एक का आधा वो फ्री में दे रही है राइट नाउ टू द सेकेंड कस्टमर शी सेल्स हाफ द नंबर ऑफ रिमेनिंग ऑरेंजेस एंड गिव्स एक्स्ट्रा हाफ ऑफ एन ऑरेंज फ्री सेकेंड कस्टमर को वो क्या कर रही है शी इज गिविंग जितना भी बच रहा है पहले कस्टमर को बेचने के बाद उसका वो आधा वो बेच रही है किसको सेकंड कस्टमर को एक्स्ट्रा हाफ फ्री में दे रही है राइट दिस वोट शी डू द सेकेंड कस्टमर नाउ टू द थर्ड कस्टमर शी सेल्स हाफ द नंबर ऑफ रिमेनिंग ऑरेंजेस एंड गिव्स एक्स्ट्रा हाफ ऑफ एन ऑरेंज फ्री थर्ड कस्टमर को भी वही कर रही है सेकंड कस्टमर को बेचने के बाद उसके पास जितना भी बच रहा है उसका वो आधा बेच रही है और एक्स्ट्रा हाफ फ्री में दे रही है दैट इज वॉट इज थर्ड कस्टमर इवन नाव उसके बाद क्या बोला नाउ शी हैज नथिंग टू सेल थर्ड कस्टमर को बेचने के बाद उसके पास कुछ नहीं बच रहा है कोई भी ऑरेंज नहीं बच रहा है आफ्टर सेलिंग इट टू दर्ड कस्टमर नाव वॉट इज इट आस्किंग हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड शी ब्रिंग टू द मार्केट इफ नो वन इज अलाउड टू कट एनी ऑफ द ऑरेंजेस इन एनी मैनर मतलब उसके पास zero oranges बच ऑरेंजेस को काटना मना है वो बोल रहा है किसी भी तरीके से कोई भी मतलब ना वो औरत काट सकती है ना कस्टमर्स काट सकते हैं ना कोई भी काट सकता है राइट सो कटिंग ऑफ ऑरेंजेस इज नॉट अलाउड एट ऑल करेक्ट नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क इज हाउ टू गिव हाफ ऑफ एन ऑरेंज विदाउट इवन कटिंग दैट इज इट इवन पॉसिबल टू गिव हाफ ऑफ एन ऑरेंज इवन विदाउट कटिंग इट बिना काटे कोई आधा दे सकता है क्या ऑब्वियसली हाँ, दे रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन इसीलिए आपको दिया गया है वरना तो क्वेश्चन भी नहीं आता है ना तो ओब्वियसली इट्स पॉसिबल नाउ वी हैव टू टू थिंक हाउ इज इट पॉसिबल गिव हाफ ऑफ एन ऑरेंज विदाउट इवन कटिंग दैट राइट नाउ विल सी अच्छा एक बात बताओ अभी अगर सोचा जाए कि नंबर्स जो होते हैं मैथ्स में वो किस तरह के नंबर हो सकता है इधर इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है होल नंबर राइट सो होल नंबर Either हम लोग इवेंट ले सकते हैं या फिर और ले सकते हैं मतलब वो जो औरतेंजेस जो लेके आई, आई है मार्केट में वो क्या हो सकता है वो इधर इवेंट नंबर हो सकता है इवेंट नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं और तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता है ना चलो देखते हैं अभी अगर इवेंट नंबर ऑफ ऑरेंजेस होते उसके पास सपोज शी है कस्टमर राइट किसी भी कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास सपोज सिक्सटीन ऑरेंजेस थे वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल टू सी हाउ इज इट पॉसिबल टू गिव हाफ ऑफ एन ऑरेंज विदाउट इवन कटिंग काटे कोई आधा कैसे दे पा रहा है कस्टमर अभी वो क्या कर रही है पहले तो वो आधा बेच रही है तो सिक्सटीन का आधा कितना होगा एट प्लस एक्स्ट्रा हाफ फ्री में दे रही है मतलब हाफ तो टोटल उसको देना कितना पड़ेगा एट एंड हाफ यहाँ पे तो बिना काटे आधा देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एट एंड हाफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसको देना पड़ रहा है करेक्ट अभी वैसे ही ये तो इवन नंबर लेके देखे जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा है हम लोग इवन नंबर अगर लेते हैं इवन नंबर ऑफ ऑरेंजेस होते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव हाफ ऑफ एन ऑरेंज विदाउट कटिंग दैट राइट सपोज लेट्स सी इफ इट इज एन ऑन नंबर और नॉट सपोज नंबर ऑफ ऑरेंजेस बिफोर सेलिंग इट टू एनी ऑफ द कस्टमर राइट अगर पंद्रह ऑरेंजेस हैं उसके पास किसी भी कस्टमर को बेचने से पहले तो पहले वो क्या करेगी पहले उसका आधा वो बेचेगी फिफ्टीन का आधा कितना सेवन एंड हाफ प्लस एक्स्ट्रा हाफ फ्री में देगी मतलब उसके उसको कितना ऑरेंजेस देना पड़ेगा आठ ऑरेंजेस यहां पे काटना पड़ा नहीं दैट मींस व्हाट डू आई अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बिफोर सेलिंग इट टू एनी ऑफ द कस्टमर्स शी हैज नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऑड नंबर ऑफ ऑरेंजेस देन ओनली इट्स पॉसिबल टू गिव हाफ ऑफ एन ऑरेंज विदाउट इवन कटिंग दैट राइट नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन

अनोन देन ओनली द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन लीस्ट और मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम राइट तो हम लोग क्या करेंगे नोन से अन नोन की तरफ जाएंगे तो नोन से अन नोन की तरफ अगर जाना है तो पहले तो यह देखना पड़ेगा कि नोन क्या है यहां पर यहां पर नोन क्या है अभी अगर देखा जाए तो नोन नंबर क्या है यहां पर Now she has, देखो पे क्या बोल रहा था Now she has nothing to sell मतलब उसके पास कुछ नहीं बच रहा है मतलब क्वेश्चन शुड बी स्टार्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए जब उसके पास जीरो नंबर ऑफ ऑरेंजेस बच रहे हैं अभी देखो मुझे तो नोन मिल गया है ना नोन से अननोन क्या है कि फर्स्ट कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास कितने ऑरेंजेस थे िस इज माई अननोन नंबर राइट दिस इज वॉट आई नीड टू फाइंड आउट तो हम लोग नोन से अनोन की तरफ जाएंगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे जैसे थर्ड कस्टमर को बेचने के बाद उसके पास कितने ऑरेंजेस बच रहे हैं जीरो नंबर ऑफ ऑरेंजेस नाउ वी नीड टू थिंक कि थर्ड कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास कितने ऑरेंजेस होने चाहिए और ये हम लोग देख चुके हैं कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस शुड बी एन नंबर अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव हाफ ऑफ एन ऑरेंज विदाउट इवन कटिंग दैट बिना काटे आधा देना पॉसिबल नहीं होगा इफ इट इज नॉट एन नंबर हम लोग देख चुके हैं अभी कागजाम्पल देखे थे वैसे ही थर्ड कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास कितने ऑरेंजेस होने चाहिए वो ऑर्ड नंबर होना चाहिए राइट सो मिनिमम ऑर्ड नंबर लेके देख लेते हैं क्योंकि यहां पे मिनिमम वैल्यू आया है जीरो है ना तो मिनिमम ऑर्ड नंबर कौन सा है वन करेक्ट तो One को अगर लेते हैं तो वन का वो पहले क्या कर रही है वो आधा बेच रही है मतलब वन का हाफ कितना हाफ हाफ प्लस एक्स्ट्रा फ्री में दे रही है मतलब उसको कितने ऑरेंजेस देना पड़ेगा पूरा एक ऑरेंज देना पड़ेगा बचेगा जीरो करेक्ट दैट थर्ड कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास कितने ऑरेंजेस थे एक ऑरेंज था करेक्ट अभी सेकेंड कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास कितने ऑरेंजेस होने चाहिए ताकि उसके पास एक ऑरेंज बचेगा थर्ड कस्टमर को बेचने के लिए एंड शुड बी एन ऑर्ड नंबर वरना बिना काटे आधा देना पॉसिबल नहीं होगा राइट right? तो कौन सा हो सकता है वो ऑर्ड नंबर वन के बाद कौन सा हैलकुलेशन रैर आई एम यूजिंग माई लॉजिक आई एम यूजिंग माई कॉमन सेंस इन ऑर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन रिमेम्बर दिस सो नेक्स्ट वन के बाद वाला ऑर्ड नंबर थ्री है तो तीन ऑरजेस अगर सेकेंड कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास है तो पहले वो क्या करती है तीन का आधा वो बेचेगी तीन का आधा कितना वन एंड ए हाफ प्लस एक्स्ट्रा हाफ फ्री में देगी मतलब कितने ऑरेंजेस देना पड़ेगा वन एंड ए हाफ प्लस हाफ दो ऑरेंजेस देना पड़ेगा तीन में से दो देना पड़ेगा बचेगा एक हाफ प्लस हाफ एक ऑरेंज देना पड़ेगा बचेगा जीरो करेक्ट नाउ बिफोर सेलिंग इट टू द फर्स्ट कस्टमर हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड शी हैव व्हाट इज द नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज फाइव लेकिन फाइव से होगा क्या देख लेते हैं इफ शी हैज फाइव नंबर ऑफ ऑरेंजेस बिफोर सेलिंग इट टू द फर्स्ट कस्टमर शी शुड रिमेन विद्री नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू सेल इट टू द दर्ड कस्टमर एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू टू सेल इट द थर्ड कस्टमर राइट तो फाइव फाइव का आधा वो बेचेगी मतलब टू एंड हाफ प्लस एक्स्ट्रा हाफ फ्री में देगी मतलब कितने ऑरेंजेस देना पड़ेगा उसको तीन ऑरेंजेस पांच में से तीन दे दी तो बचेगा कितना दो बचेगा लेकिन बचना कितना चाहिए तीन बचना चाहिए सेकेंड कस्टमर को बेचने से पहले दैट मीन आई अंडरस्टैंड फाइव इज नॉट द नंबर तो फाइव के बाद वाला क्या ऑड नंबर है सेवन है ना सेवन को लेके सो सी इफ देखतेवन इज द ऑड नंबर ऑफ ऑरेंजेस बिफोर सेलिंग इट टू द फर्स्ट कस्टमर तो सेवन नंबर ऑफ ऑरेंजेस अगर वो लेती है तो सेवन का आधा वो बेचेगी सेवन का आधा कितना थ्री एंड हाफ प्लस एक्स्ट्रा हाफ फ्री में देगी मतलब कितने ऑरेंजेस उसको देना पड़ेगा चार ऑरेंजेस देना पड़ेगा बचेगा कितना सात में से चार देना पड़ेगा बचेगा तीन वन एंड प्लस हाफ पड़ेगा। बचेगा एक हाफ ऑरेंज देना पड़ेगा बचेगा जीरो दैट मीन्स आई अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑरेंजेस शी ब्रिंग टू द मार्केट सेवन नंबर ऑफ ऑरेंजेस राइट तो ये क्वेश्चन में मुझे ये चीज सीखने के लिए मिला कि बिना काटे आधा कैसे दे रहे ई यूज माई कॉमन सेंस फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम आई स्टार्टेड फ्रॉम द नोन टुअर्ड्स द अननोन मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया नोन से अन नोन की तरफ ये yes, हर वक्त दिमाग में रखना कि ऑलवेज यू नीड टू सॉल्व ए क्वेश्चन फ्रॉम द नोन टूवर्ड्स द अननोन राइट इन द सबसिक्वेंट शॉर्ट विडियो विल सी सम्रिक्स थैंक यू हैप्पी लर्निंग